Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from Unit 2 Kinematics Class 11th, Chapter 4, Motion in a Plane. बहुत ही important numerical है, and this numerical is based on the concept of dot product of two vectors. बहुत ही important है, क्या है numerical? आप मेरी back screen पे देख पा रहे हैं. The numerical is, if unit vectors, A unit vector and B unit vector are inclined at an angle theta, then prove that A unit vector minus B unit vector is equal to 2 sine theta by 2. I am again repeating my statement. Now what is the numerical? If unit vectors, note down, this is the unit vectors, A unit vector and B unit vector are inclined at an angle say theta, then prove that A unit vector minus B unit vector is equal to 2 sine theta by 2. Suppose this is the first unit vector, that is A, and this is the second unit vector, that is B, and these two are inclined to each other at an angle say theta. Hame prove karna hai A unit vector minus B unit vector is equal to 2 sine theta by 2. Ab kaise karenge isko solve karne se pehle, मैंने जो पिछली वीडियो में आपसे कुछ एक बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी, मैं दोबारा से उसे रिपीट कर रहा हूँ. सपोज दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस. ये ओरिजिन है और तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एक्स वाई एंड जेड, और तीनों के तीनों क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अब x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है दैट इज i, y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है दैट इज j, और z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है दैट इज k. दिस इज द यूनिट वेक्टर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट यूनिट वेक्टर? नाम से ही क्लियर हो रहा है, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड. अब ध्यान से समझें, दो वेक्टर्स मैं आपके सामने ले रहा हूं, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर. एज पर रूल चलेंगे, हम पढ़ चुके हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपके पास फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा. क्या मतलब है इसका? इफ यू हैव टू टेक द टू वेक्टर्स, दिस इज द वेक्टर ए और दिस इज द वेक्टर बी, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फॉर्मूला बनता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो आई डॉट आई क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, दिस इज द यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड क्या है? वन. दिस इज द यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या है? वन. कॉस थीटा, अब दोनों यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, आई यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो, थीटा क्या बनेगा? जीरो डिग्री. कॉस जीरो वन, तो आंसर इज वन. सिमिलर मैनर से जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जे वन वन कॉस जीरो डिग्री दैट इज वन. इसी तरह सिमिलर मैनर से के डॉट के दैट इज वन डॉट वन कॉस जीरो डिग्री दैट इज वन. लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखें. मेरे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स, और दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे इंक्लाइंड है? एक एंगल से इंक्लाइंड है. तो हमें प्रूव करना है ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाय 2. तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन?
ये प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। मुझे प्रूव करना है ये 2 साइन थीटा बाय 2 के बराबर होता है, तो मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। तो अब हम कैसे करेंगे, नाउ व्हाट इज ए, अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बी यूनिट वेक्टर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले ए यूनिट वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर प्लस ए यूनिट वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए यूनिट वेक्टर डॉट माइनस बी यूनिट वेक्टर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा बी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट। दोबारा देखिए, ए यूनिट वेक्टर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर, फिर ए यूनिट वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए यूनिट वेक्टर डॉट माइनस बी यूनिट वेक्टर प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस तो बी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। अब ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर को सोल्व करते हैं, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर माइनस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले अब हम ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर को हम निकालते हैं, तो रूल लगाएंगे ए बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज द यूनिट वेक्टर, दोबारा सुनिए, दिस इज द यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, तो वन डॉट वन कॉस, अब थीटा क्या है इन दोनों में, दीज टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर्स में देखो एंगल कितना बनता है जीरो डिग्री, सेम वेक्टर्स में एंगल कितना बनता है जीरो डिग्री, सेम वेक्टर्स में एंगल कितना बनता है जीरो डिग्री, तो वन इंटू वन, अब मैंने वन वन क्यों लिए, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, तो ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, एंगल कितना बनेगा जीरो डिग्री, क्योंकि ये क्या है सेम वेक्टर है तो कॉस जीरो। सिमिलर मैनर से माइनस इसको करेंगे, अब ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन कॉस, अब ए और बी एक दूसरे के ऊपर कितने एंगल से इंक्लाइंड है थीटा एंगल से इंक्लाइंड है तो कॉस थीटा माइनस बी यूनिट वेक्टर, इसको करेंगे तो वन, बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, बी और ए एक दूसरे ऊपर कितने एंगल से इंक्लाइंड है थीटा एंगल से तो कॉस थीटा प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, दोनों क्या है सेम वेक्टर है सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या बनेगा जीरो डिग्री कॉस जीरो। तो आप करेंगे इसको वन डॉट वन, नाउ व्हाट इज कॉस जीरो दैट इज वन माइनस वन डॉट वन कॉस थीटा माइनस वन डॉट वन कॉस थीटा प्लस वन डॉट वन कॉस जीरो अगेन वन, तो आंसर इज वन माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, तो वन प्लस वन दैट इज टू माइनस टू कॉस थीटा, टू कॉमन लेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा। अब आप सबको पता है मैथमेटिक्स में वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, ये आपको याद रखना होगा, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, तो यहाँ पुट करेंगे तो टू इंटू टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, द आंसर इज फोर साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, किसका आंसर है ये ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का होल स्क्वेयर। तो आप क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो आया है ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू
4 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, अब दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे, तो स्क्वेयर रूट ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, तो ये स्क्वेयर रूट से ही खत्म होगा, तो बनेगा ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, 4 का स्क्वेयर रूट दैट इज 2, साइन स्क्वेयर का 2 साइन थीटा बाय 2। सो दिस इज द रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड हमने प्रूव की ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 3 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन आता है। कैसे सोल्व करना है मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया, और जल्दी ही इसका वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको सॉर्ट आउट कर सकें और देख पाएं कि कैसे इस तरह के अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें उसे सोल्व करना है। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, देन प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद।